नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अभिषेक की पूरी टीम की तरफ से। मैं हूं अभिनव तुषांशु पांडे और हम लोगों ने जिस तरीके से आप लोगों को वादा किया है, आज उस वादे को निभाने का पहला मौका है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, आइए देखते हैं। कक्षा 12वीं की जो है भौतिकी के लिए जो हमारा सीजी बोर्ड एग्जाम सीरीज चल रहा है अभिषेक की तरफ से, मिशन 2023 के तहत हम आपको सारी की सारी परीक्षा की तैयारियों के लिए जो है प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ये हमारा जो है पहला मतलब चैप्टर है और यहाँ पी वाई क्यू वन है। खुश होने की बात क्या है, पी मतलब प्रीवियस, वाई मतलब ईयर और क्यों मतलब क्वेश्चन। हम लोग एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे और उनको एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि क्या चीजें हमें सीखना है, क्या चीजें हमेशा पूछी जाती हैं। ये शुरुआत करते हैं, पेन कॉपी निकाल लीजिए, आपको जितने कंसेप्ट आते हैं वो सारे कंसेप्ट जो है यहाँ पर अप्लाई करने का टाइम आ गया है। और यहाँ पर एक और चीज जो है हमें ध्यान देनी चाहिए, वो क्या है कि यहाँ पर हम राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो जिस तरीके से जो है मैं आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उन चीज़ों का ध्यान रखें। आप अपने उत्तर को किस तरीके से लिखने वाले हैं ताकि आपको अधिकतम अंक मिले, इसकी आज हम रणनीति बनाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि भैया 5 अंक का प्रश्न पत्र है और इसमें जो है आपको क्या क्या मतलब 5 अंक का ये प्रश्न है और इस प्रश्न में आपसे पहले तो आवेश का वितरण एवं घनत्व, तो इसके बारे में बात करना है। फिर गौसीय पृष्ठ बता दो, यहाँ पर नंबर मिलता है। गौस का जो प्रमेय है इसके कथन के बारे में हम बात करेंगे। रेखा चित्र बनाने से भी अंक मिलते हैं और गणितीय अनुप्रयोग एवं निष्कर्ष इसमें भी अंक होते हैं। तो इन 5 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, हम अपना उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले प्रश्न क्या है, सबसे पहला प्रश्न है कि गाउस प्रमेय की सहायता से, प्रश्न क्या है गाउस का प्रमेय। मैंने कहा था कि 5 अंक के प्रश्न में सबसे ज़्यादा 2019 में पूछा है भैया, ये प्रश्न 2019 का है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न ही यही है। तो गाउस के प्रमेय उसके अनुप्रयोग करके आर त्रिज्य वाले एक समान आवेशित गोले के गोलीय कवच, अब ये कवच है मतलब शेल है खोखला गोला है के कारण इससे आर दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निम्न स्थितियों में ज्ञात कीजिए। आपके पास में 3 स्थितियां हैं, हर एक स्थिति में आपको 1 नंबर देने का प्लान बनाया हुआ है। तो अब जो है हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, हम सोचेंगे कि हमको यहाँ पर नंबर कैसे मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम सबसे पहले जो है लिख देंगे भाई गाउस का प्रमेय क्या होता है, गाउस का प्रमेय क्या होता है। ठीक है, गाउस के प्रमेय की जो है पूरी कहानी आप लिखना चाहें लिखिए, नहीं लिखना चाहें ना लिखिए, लेकिन आप फाई का मतलब ई डॉट डी एस ये बता देंगे और उसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस और बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, ये गाउस का प्रमेय की कहानी है। हम लोगों ने सूत्रों में लिख दी, फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि इससे आपके एग्जामिनर को पता चल गया कि आपको चीज़ें आती हैं। बस इससे जो है हमको पूरे नंबर मिल जाते हैं गाउस का प्रमेय बताने की। आपने फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में बताया और फिर आपने बताया कि किसी एकांक मतलब किसी बंद पृष्ठ के अंदर रखे हुए आवेश के अंदर कुल मिला के कितना विद्युत फ्लक्स निकलता है उसके बारे में आपने जानकारी दे दी, गाउस का प्रमेय हो गया, इसमें आपको 1 नंबर मिला। अब अगली बात क्या करना है, प्रश्न में हमसे क्या पूछा है भैया कि आर त्रिज्य वाले एक समान आवेशित गोलीय कवच, अच्छा गोलीय कवच है इसका मतलब यह है कि इसके अंदर आवेश नहीं है, जो भी आवेश आपको दिखाई देने वाला है सारा का सारा कहाँ दिखाई देगा, यहाँ, तो इसकी सतह पर। तो आप ये एक छोटा सा स्टेटमेंट बता सकते हैं कि क्योंकि यह एक गोलीय कवच है इसलिए यहाँ पर पूरा का पूरा आवेश कहाँ नजर आएगा हमको, इसकी सतह पर नजर आएगा। ये एक महत्वपूर्ण है बात है और इससे जो है हम ये पता कर पाते हैं क्या कि भैया यहाँ पर आवेश का वितरण एवं घनत्व है, क्योंकि सतह पर ही आवेश दिखाई देगा इसलिए यह क्षेत्रफल आवेश घनत्व होगा और ये हो जाएगा डी क्यू बटा डी ए। यहाँ से हमको यहाँ पर से क्या पता चलेगा, डी क्यू बराबर सिग्मा डी ए। तो ये बात हम लोगों ने बराबरी से कर ली, पहला वाला पॉइंट हम लोगों ने पकड़ा। अब हम क्या करेंगे,
हम यहाँ पर जो है आवेश के वितरण के बारे में बता चुके हैं। इसके बाद में जो है हम यहाँ लिख देंगे क्या कि सिग्मा बराबर क्यू बटा ए बराबर डी क्यू बटा डी ए, और यहाँ से लिख देंगे डी क्यू बराबर सिग्मा डी ए। ये आपको दूसरे अंक की ओर लेके जा रही है। इससे पहले आपको क्या लिखना है, एक छोटा सा स्टेटमेंट कि क्योंकि धात्विक गोलीय कवच है इसलिए सारा का सारा आवेश उसकी बाह्य सतह पर दिखाई देगा, इसलिए हम लोगों ने क्षेत्रफल घनत्व निकाला है आवेश का। अगली बात क्या है, अगली बात यह है कि अब जो है हमको इन तीन चीज़ों के लिए जो है व्यंजक निकालना है। तो इन तीनों के लिए व्यंजक निकालने का समय आ गया है। पहले आप बनाइए गोला, गोले के अंदर जो है ये इस तरीके से हम लोगों ने आवेश रखा। उसके बाद में हम पहली स्थिति लेंगे, स्थिति एक, ठीक है, स्थिति एक। यहाँ पर जो है पहली स्थिति क्या है भाई, हमारा दिया हुआ आर वो जो है आर से बड़ा है, मतलब यदि इसकी त्रिज्या जो है आर है और हम लोगों ने हमारा जो बिंदु लिया हुआ है वो कहाँ लिया हुआ है, हमारा बिंदु जो है ये यहाँ है और ये जो दूरी है ये कैपिटल आर है, ठीक है। अब यहाँ से जो है हम क्या करेंगे, गाउसीय पृष्ठ की स्थापना करेंगे। हम एक गाउसीय पृष्ठ लेंगे जो कि कैसा होगा, गोला होगा। गोले के अंदर संपूर्ण आवेश कितना है, क्यू है, इसलिए जो है गोले के अंदर संपूर्ण फ्लक्स क्या होगा, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। फिर जो है ये जो है होगा क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस और बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से हम देखेंगे कि यह कुल क्षेत्रफल गोले का कितना है, तो ये है फोर पाई और कौन सा वाला आर, कैपिटल आर का वर्ग, क्योंकि हम गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो फोर पाई आर स्क्वायर गुणा ई, और ये हो जाएगा बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के। अब जो है हम इसके आगे की गणना कर सकते हैं, तो हमको मिल जाएगा ई बराबर वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा क्यू बटा आर का वर्ग। ये हो गया खोखले गोले के बाहर का जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब यहाँ पर हम छोटा सा स्टेटमेंट लिखेंगे, ये इसको देख के ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि सारा का सारा आवेश इस गोले के केंद्र पर बिंदु आवेश के रूप में स्थित है। अगली कहानी क्या है, अगली कहानी ये है कि हमको लेना है फिर से एक गोला, और इस बार हम लोगों ने जो स्थिति ली है वो है आर बराबर आर। फिर कहानी पूरी रिपीट करने के बजाय आप सीधा सीधा बोल सकते हो, यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा क्यू बटा आर का वर्ग। तीसरी कहानी स्थिति तीन, आर जो है वो जो हमारी त्रिज्या ली हुई त्रिज्या है वो छोटा है किससे, आर से। गाउसीय पृष्ठ यहाँ पर बनाएंगे, और उसके बाद में अब यहाँ पर स्थिति आ जाती है कि आप अब बता दें कि भैया सारा का सारा संपूर्ण आवेश गाउसीय पृष्ठ के बाहर है, पृष्ठ के बाहर है, अतः क्या स्थिति आएगी, Q का मान हो जाएगा शून्य और E डॉट डी एस बराबर हो जाएगा शून्य, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हो जाएगी शून्य। ये हमारा पांच अंक का उत्तर हो गया। तो आपने फिर से हम देखेंगे एक बार रिव्यू करेंगे, आपने क्या क्या चीज़ें की, आपने सबसे पहले बताया कि गाउस का जो अपना प्रमेय है वो क्या है, गाउस का प्रमेय के बारे में आपने स्टेटमेंट लिखा, इससे जो है आपको इसके बारे में पता है ये बताया। उसके बाद में हम लोगों ने ये मेंशन किया कि क्योंकि यह एक पृष्ठ में फैला हुआ आवेश है इसलिए हम पृष्ठीय या क्षेत्रफल घनत्व जो है आवेश का लेंगे। इसके बाद में हम लोगों ने दी हुई तीनों स्थितियों के लिए एक एक करके और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। ये पहली वाली स्थिति है, उसके बाद में ये दूसरी वाली स्थिति है, और ये तीसरी वाली स्थिति है। पांच नंबर आपको मिल गए।